जयमाला के बाद दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार। दुल्हा दुल्हन को लेने दुल्हन के घर पहुंचा था। जयमाला का कार्यक्रम हो चुका था, दोनों दो बार फेरे भी ले चुके थे, लेकिन दूल्हे के सांवले रंग के कारण दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की अपने निर्णय पर अड़ी रही और बारात को वापस घर लौटना पड़ा। बिहार के सीतामढ़ी से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शादी के मंडप में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हा दुल्हन ने दो फेरे भी लिए थे। दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि आप मुझे पसंद नहीं हैं, मैं शादी नहीं कर सकती। परिजनों के काफी समझाने के बाद भी लड़की नहीं मानी। इसके बाद दुल्हा बारात के साथ वापस घर लौट गया। खबर के मुताबिक पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, दो फेरे हो चुके थे, तभी दुल्हन अड़ गई कि वह शादी नहीं करेगी। मंडप में अचानक सन्नाटा पसर गया। दूल्हे ने कहा कि अचानक क्या हो गया, तो दुल्हन ने कहा कि आप मुझे पसंद नहीं हो, मैं शादी नहीं कर सकती। लड़की के परिवार वालों ने भी उसे समझाया, मगर लड़की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुई। इसके बाद दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया। यह मामला सोनवर्षा इलाके का है। यहाँ की रहने वाली लड़की की शादी इलाके के ही रहने वाले लड़के से तय हुई थी। 17 मई को बारात आई और बारातियों का स्वागत हुआ। पूरी रस्म के साथ वरमाला भी हुई। दूल्हे को वरमाला पहनाने के बाद दुल्हन स्टेज से उतरकर वापस चली गई। इसी दौरान दुल्हन ने अपने परिवार वालों को बताया कि वह उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती है। परिजन के बार बार समझाने के बाद भी दुल्हन शादी के लिए मंडप तक आई। दूल्हे के साथ दो फेरे भी लिए, मगर इसके बाद उसके अंदर न जाने कहां से साहस आया और उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि अब वह फेरे नहीं लेगी। उसने कहा कि मैं इस लड़का से शादी नहीं करूंगी। इतना कहते ही मंडप में सन्नाटा फैल गया। दुल्हन के इनकार के बाद दोनों ही पक्ष के लोग हैरान रह गए। इस बीच बारात में शामिल गांव के बुजुर्ग सहित अन्य लोग दुल्हन को समझाने में जुट गए। उधर बाराती हंगामा न कर दे और बारात वापस न लौट जाए, इसकी भी चिंता थी। लिहाजा बाराती पक्ष के कुछ लोगों को लड़की वालों ने बंधक बना लिया। मगर जब घंटों तक समझाने के बाद भी लड़की नहीं मानी, तो लड़की पक्ष के लोग उपहार में दिए गए रुपयों और सामान की मांग करने लगे। मामले को बढ़ता देख किसी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद प्रभारी थानाध्यक्ष और सब प्रशिक्षु डीएसपी सुचित्रा कुमारी ने दोनों पक्षों को थाना में बुलाया। दोनों पक्षों की पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामले को शांत कराया। उधर लड़के के पिता ने भावुक होकर कहा कि 4 महीने पहले शादी तय हुई थी, अचानक क्या हुआ? सुनने में आया कि लड़की का किसी के साथ अफेयर है, इसी कारण शादी तोड़ी गई है। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, वरमाला भी हो गई थी, लेकिन फेरों के दौरान लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। शादी के लिए आपसी परिवार वालों की सहमति के साथ यह भी जरूरी है कि लड़का और लड़की शादी के लिए तैयार हों, क्योंकि शादी के पहले यदि दोनों तैयार होते तो यह नौबत नहीं आती।